एनसीबीचं दिल्लीतून आलेलं पथक आता कामाला लागलेलं आहे. समीर वानखेडेंचा जबाब नोंदवण्यास सुरुवात झाली आहे. कथित 25 कोटी डीलचं खरं खोटं आता बाहेर पडणार आहे. क्रूझर ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात साक्षीदार किंवा पंच असलेले प्रभाकर सायली यांनी एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर यांच्यासह पंच केपी गोसावी यांच्याबाबत केलेल्या 25 कोटींच्या डील प्रकरणावरून खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे आरोपांना आता एनसीबीच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून गांभीर्यानं दखल घेतली गेली. या आरोपांमधील नेमकं खरं खोटं काय हे तपासण्यासाठी एनसीबीचं एक पथक दिल्लीतून मुंबईत दाखल झाले. यात एनसीबीचे डिप्युटी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह यांच्यासह 5 सदस्यीय समितीचा समावेश आहे. हे पथक आज सकाळी मुंबईत दाखल झालं असून या तपासाला आता सुरुवात झाली. पथकाकडून सध्या वानखेडे यांचा जबाब नोंदवला जातोय अशी माहिती स्वतः एनसीबीचे डिप्युटी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह यांनी दिली आहे. आज दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम, एक स्पेशल इंक्वायरी टीम मुंबई पहुंची है, जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है. उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं. इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्षियों को बुलाया गया है. मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता. आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है. आगे साक्षियों का स्टेटमेंट वगैरह होगा. जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तो आप सबके साथ उसका रिजल्ट साझा किया. ये सभी जो भी मटेरियल विटनेस हैं इस इंक्वायरी के लिए वो सबको बुलाया जाएगा. मैं किसी व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा. ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी.